भारत की आन बान शान और इतिहास को देखकर पड़ोसियों को मिर्ची लग रही है। भारत की ऐतिहासिक हकीकत पड़ोसियों को चुभ रही है। कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे भारत के पड़ोसी देशों को डर लग रहा है। डर इस बात का कि जिस नक्शे को भारत इतिहास के रूप में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो हकीकत ना बन जाए। तभी तो नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने अपने इस डर को बयां कर दिया है। भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा देखकर भारत के पड़ोसी देश आग बबूला हो गए हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टराई के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अखंड भारत की तस्वीर पर जहरीला बयान दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के विभत्ति चित्र में पाकिस्तान और बाकी पड़ोसी देशों के इलाके को भी दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अखंड भारत के विचार से बहुत चिंतित है और बीजेपी नेताओं के बयान से स्तब्ध। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा भारत के कई केंद्रीय मंत्री इस विभत्ति चित्र को अखंड भारत से जोड़ रहे हैं। बलोच ने कहा कि अखंड भारत का दावा विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को पराजित करना चाहता है। कितनी हंसी की बात है कि भारत ने जो कभी बोला नहीं, पाकिस्तान उसे अपनी कल्पनाओं में जिंदा कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बिना मांगे ही सलाह दी कि भारतीय नेताओं को दूसरे देशों के खिलाफ बयानबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत में आतंकी हमले कराने वाले पाकिस्तान की प्रवक्ता जहरा बलोच ने कहा कि भारत विस्तारवादी विचारधारा को बढ़ावा नहीं दे और उसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों को निपटाना चाहिए। अब भारत ऐसे किसी भी निराधार ज्ञान पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देगा, लेकिन अच्छा होगा कि पाकिस्तान इस कल्पना और इस डर को हमेशा जिंदा रखे। बता दें, भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का विभत्ति चित्र लगाया गया है। इसमें वर्तमान पाकिस्तान के कई इलाकों जैसे तक्षशिला, मानसेहरा, सिंधु, पुरशुपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे। अखंड भारत के इसी विभत्ति चित्र में लुम्बिनी और कपिल वस्तु को भी दिखाया गया है, जो वर्तमान समय में नेपाल का हिस्सा है। इस विभत्ति चित्र के सामने आने के बाद से नेपाल के वामपंथी नेता बुरी तरह से भड़क उठे हैं और अब पाकिस्तान भी इस पर अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।